आती हैं, आप किसी भी में करिए। गुरु जी ने बताया कि किसी घुटने में, कमर में दर्द है या कहीं पे भी दर्द है तो आप करिए। इसमें 5 पत्ते ये लीजिए बेलपत्र के, बेलपत्र 5 बेलपत्र और 5 ये पारिजात के पत्ते, एक हरसिंगार का पुष्प चाहिए। मेरे पास है नहीं तो मैं गेंदे का फूल मैंने रख लिया है, अगर हो तो आपके पास रखिए, वो तो बहुत ही अच्छा है। चाहे सूखा ही रखा हो तब भी आप पारिजात का पुष्प रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर कोई भी रख लीजिए। आप ये सारी पत्तियाँ सब रख लीजिए, पूजन की सामग्री तैयार करके। आप एक लोटे में जल लीजिए, जल में एक अक्षत डालिए और भोले बाबा को जल समर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल चढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल समर्पित कर दिया है, अब भोले बाबा को त्रिपुंड इस तरीके से लगाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 उंगली में चंदन लीजिए और इस तरीके से लगाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। ओम लिखिए, अक्षत चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये आपने जो बेलपत्र 5 लिए, 5 बेलपत्र आज बेलपत्र चढ़ाना है, पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर के चढ़ाइए। इस तरीके से डंडी अपनी तरफ रखिए, इस तरीके से श्री पातालेश्वर महादेव के नाम लेकर चढ़ाइए, श्री शिवाय। और 5 पत्ते हर श्रृंगार के श्री पातालेश्वर महादेव। मैं घर में चढ़ा रही हूँ, मेरे पास नर्मदेश्वर भगवान जी हैं, महादेव चढ़ा उसमें चढ़ा रही हूँ। अगर मंदिर जा सके तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो घर पे भी चढ़ा सकते हैं। कुछ चढ़ा दीजिए, ये सब चढ़ा करके फिर आप भोले बाबा से प्रेयर करिए और मांग लीजिए कि मैं, कि मेरे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कि मेरा ठीक हो जाए। भोले बाबा मुझे बेलपत्र और ये पत्ते दे दीजिए, ये पारिजात के पत्ते ले रही हूँ मैं बाबा, दे दीजिए और मेरी बीमारी सही करिए। इस तरीके से बोलते हैं, बाबा से मांग लीजिए। और फिर आप 5 पत्ते रोज, एक पत्ती रोज खाइए बेलपत्र की, फिर उसके बाद पारिजात की पत्ती को खाना है, पारिजात की पत्ती खाइए। फिर लास्ट में अगर हरसिंगार का पुष्प है तो आप सबसे लास्ट में हरसिंगार का पुष्प खाना है। फिर देखिए आपको कमर और घुटनों में दर्द में आराम मिलेगा। ये बहुत कारगर उपाय है, सभी लोग करिए और अपनी बीमारी से निजात पाइए। भोले बाबा ऐसे ही हैं, सबकी सबके दुख दर्द दूर करते हैं, तो आप लोग ये उपाय अवश्य करिए और भोले बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रहिए, रहिए आपके सारे दुख दर्द भोले बाबा दूर करेंगे। जय भोलेनाथ।